अगर आप भी इस दुविधा में रहते हैं कि आपको प्रोग्रेसिव लेंसेज लेना है या बाईफोकल, प्रोग्रेसिव लेंसेज आपने बनवा तो लिया है लेकिन वो ठीक तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा है, आपको यहाँ तो ठीक दिखता है लेकिन जैसे ही आपका विजन आपको थोड़ा दूर करना पड़ता है या ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा दूर करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ब्लरी आपको दिखने लगता है, या आप कंफ्यूज हमेशा रहते हैं कि बाईफोकल सही होगा या प्रोग्रेसिव सही होगा। कुछ लोग तो कहते हैं प्रोग्रेसिव सही है, कुछ लोग कहते हैं बाईफोकल सही है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आज सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और आपको अगर ये वीडियो पूरा समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है विदाउट स्किप किए हुए, और लाइक आप प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमस्ते गाइस, मेरा नाम है सुब्रतो घोष, इस चैनल पे आपका होस्ट और दोस्त जिसका नाम है ज्ञानी चश्मा बाबा। तो गाइस आज हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव वर्सेस बाईफोकल की, और प्रोग्रेसिव लेंसेज के प्रॉस्पेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस की, प्रोज एंड कॉन्स की, राइट? सो गाइस सबसे पहले मैंने एक एपिसोड बना दिया था प्रोग्रेसिव लेंसेज के ऊपर, हो सकता है आपने एपिसोड देखा है, नहीं देखा तो मैं आपको प्रोग्रेसिव लेंसेज क्या होता है वो सबसे पहले समझा देता हूँ। प्रोग्रेसिव लेंसेज को मल्टी फोकल लेंसेज कहा जाता है। मल्टी फोकल क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल फोकल्स रहती है, दूर के लिए एक विजन, 3 फीट्स देखने के लिए एक विजन, और 1.5 फीट जो नियर रीडिंग एक्चुअल डिस्टेंस होती है, जो डॉक्टर रिकमेंडेड डिस्टेंस होती है, उसके लिए एक सेपरेट विजन। तो जब भी डॉक्टर आपको नियर विजन का पावर देते हैं गाइस, तो ऐसा एक नियर विजन चार्ट होता है डॉक्टर्स के पास, वो आपको आधे हाथ के डिस्टेंस में यानी 1.5 फीट लगभग कहते हैं ऑब्जेक्ट को पढ़िए, और आपको जो पावर दिया जाता है नज़दीक के रीडिंग के लिए वो इसी के हिसाब से दिया जाता है। तो क्या होता है गाइस, अगर आप ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको ब्लरी दिखने लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट? आपको ये करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव लेंसेज पहनना पड़ेगा। क्यों? बाईफोकल मतलब टू, बाई मतलब टू, बाईफोकल में एक तो यहाँ का पावर दिया रहता है, एक गोल सा बना होता है, आपने देखा होगा कईयों के चश्मे में, ये गोल से वो नज़दीक का देखते हैं और टॉप ऑफ द लेंसेज से दूर का। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं और डिस्टेंस में भी देख सकते हैं। तो इसको नो लाइन मल्टीफोकल लेंसेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई डिमार्केशन नहीं होती जो आप समझ पाए कि कहाँ से आपको कहाँ देखना है, किस डिमार्केशन ऑफ चश्मे से आपको कहाँ देखेगा तो कहाँ देखिएगा तो क्या विजन आपको मिलेगा। इसीलिए प्रोग्रेसिव लेंसेज एडजस्ट होने में थोड़े टाइम लगता है गाइस। अगर आप बाईफोकल पहनते हैं या आपने पहली बार बाईफोकल बनवाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले से ही आप प्रोग्रेसिव में आप ट्राई कीजिए। अगर आपको मल्टीफोकल एरियाज़ में काम करना है नज़दीक के लिए, स्पेसिफिकली आप बैंकर्स को पहले के ज़माने में देखते होंगे, वो 2 चश्मा रखते थे। क्यों रखते थे? एक वो 1.5 फीट में पढ़ने के लिए काम करते थे, और जब भी वो कंप्यूटर में काम करना उनको होता था वो एक चश्मा निकाल के रख देते थे, और जो कंप्यूटर डिस्टेंस वाला चश्मा है मतलब जिसमें डिस्टेंस थोड़ा एनहेंस किया हुआ है उससे वो कंप्यूटर को देखते थे। तो जनरली क्या होता है, नज़दीक में अगर आपका +150 का पावर है तो प्रोग्रेसिव के इंटरमीडिएट एरिया में आपका पावर थोड़ा एनहेंस करके दिया हुआ रहेगा, डिक्रीज़ करके दिया रहेगा, मतलब 1.25 का पावर आपको 3 फीट में आएगा। अगर 1.50 पे आप यहाँ देखते हैं तो 1.25 का लेंसेज आपको यहाँ लगेगा। तो प्रोग्रेसिव लेंसेज ऐसे ही काम करता है, इसीलिए लोग प्रोग्रेसिव लेंसेज पहनते हैं कि एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली वो मल्टीपल डिस्टेंस पे काम कर पाए, जिसमें डिस्टेंस पे भी देख पाए, 3 फीट में भी देख पाए और नज़दीक में भी देख पाए। तो ये है प्रोग्रेसिव लेंसेज का कंसेप्ट है। अब देखिए प्रोग्रेसिव लेंसेज आपको एक तो मैंने बता दिया समझाते कि तब लेना है जब आपको मल्टीपल फोकल पॉइंट्स पे काम करना है, नज़दीक में भी देखना है, थोड़ा उससे दूर भी देखना है, और एकदम डिस्टेंस में भी आपको देखना है। लेकिन सिर्फ अगर आपका नज़दीक में पढ़ने लिखने का काम है, रीडिंग का काम है, और एक ही डिस्टेंस पे काम है, कंप्यूटर वगैरह में आपका काम नहीं है, तो आपको बाईफोकल भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है।
और बाइफोकल पे एक मज़ेदार चीज़ क्या है गाइस, एरिया बहुत ओपन रहता है और आपको पता है आपको किस जगह से कहाँ देखना है, क्योंकि गोल किया हुआ है तो गोल से ही आपको नज़दीक में देखना है और डिस्टेंस से आपको दूर में देखना है, तो जल्दी एडजस्ट होता है। लेकिन प्रोग्रेसिव में, क्योंकि मैंने कहा नो लाइन, इसमें कोई डिमार्केशन नहीं होती, ऐसे प्लेन लेंसेज होते हैं, तो आपकी आँखों को थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है टू गेट एडजस्ट टू दोज डिमार्केशन, कि यहाँ से यहाँ तक सपोज कीजिए डिस्टेंस के लिए पावर दिया हुआ है, बीचों बीच के लिए 3 फीट में जब हम देखते हैं तो ये बीचों बीच सेंटर काम करता है लेंसेज का सेंटर, और नज़दीक में एकदम बॉटम ऑफ द लेंसेज आपको देखना पड़ता है। सो यही आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है आँखों को कि वो एडजस्ट कर पाए, और वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है गाइज अगर कंटिन्यूस चश्मा बनाने के बाद उसको यूज़ करते हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये है प्रोग्रेसिव लेंसेज का एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो अगर आप अच्छे लेंसेज थोड़ा जिसमें कॉरिडोर बढ़ाया हुआ रहता है उनको यूज़ करेंगे तो वो एडजस्ट भी जल्दी होगा और ऐसा सच आपको देखने में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप बाइफोकल से प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैंने कहा बाइफोकल में आपको बताया हुआ रहता है, ठीक है, विद डायग्राम चश्मे में ही बनाया हुआ रहता है एक गोल सा, तो आपको पता है कहाँ से कहाँ देखना है। लेकिन प्रोग्रेसिव में गाइस ये इंटरमीडिएट विजन के लिए एरिया थोड़ा नैरो रहता है, राइट, इसीलिए बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि सर मैं ऐसे देखता हूँ ना साइड में तो मेरे को ब्लरी दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे विजन दिया ही नहीं हुआ है। क्योंकि टेक्निकली अगर आप साइंटिफिकली बात करें तो व्हेन वी ट्राई टू सी ए ऑब्जेक्ट जो हमारे राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है तो हमारा हेड ही टर्न होता है, राइट, व्हेन कुछ साइड से कोई ऑब्जेक्ट को हमको देखना है तो हमारा हेड टर्न होता है, हम ऐसे नहीं देखते कभी, राइट, अपने आँखों को तिरछा करके। तो ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मेरे को बताना था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बाइफोकल और प्रोग्रेसिव में मेजर डिफरेंस। प्रोग्रेसिव जो लेंसेज होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, किनको यूज़ करना है वो भी आप समझ गए, कि मल्टीपल फोकल पॉइंट्स पे अगर आपका काम है, नज़दीक में आपको दो दो डिस्टेंस पे साइमल्टेनियसली काम करना पड़ रहा है, सपोज़ कीजिए आप टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे कीबोर्ड तो 1.5 फीट में रखा हुआ है और वहाँ पे आपका डेस्कटॉप है जो 3 फीट में है, तो ये सारा चीज़ के लिए प्रोग्रेसिव लेंसेज है। अदरवाइज़ आप बाइफोकल से भी अपना जो पर्पस है, अपना जो काम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मैंने ये बताया कि ये फोकल पॉइंट अगर थोड़ा वाइड रहेगा, जो अच्छे लेंसेज में ऑलरेडी वो कॉरिडोर थोड़ा इंक्रीज़ किया हुआ रहता है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये सारा चीज़ आप ध्यानपूर्वक अगर रखेंगे, और एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने बताई कि आपको अपने आँखों को वो प्रोग्रेसिव लेंसेज से एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जो बाइफोकल में जल्दी में हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल से चाहिए तो सब्सक्राइब करिएगा आप ज़रूर, उसके बगल पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू इतना प्यार देने के लिए चैनल पे। आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग हैं तो हम हैं, हम यूट्यूबर्स हैं, हमारा चैनल है ज्ञानी चश्मा बाबा चैनल है आप ही के लिए, सारा आई ग्लासेस आई केयर और आई वी एयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको ला के देता रहूँगा, साथ में एक्सपर्ट ओपिनियंस भी मैं आपको ला के देता रहूँगा। टिल देन ज्ञानी चश्मा बाबा साइनिंग ऑफ गाइज, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।